in this module i will explain a very famous concept which is the capital asset pricing model and it is abbreviated as capm so capm is basically based upon the theory of portfolio selection so how portfolio selection kelly One technique which was the mean variance approach right this is another concept which is used to select the portfolio and this particular concept इज़ वेरी फेमस इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई इट वॉज डेवेलप्ड बाय विलियम शार्प इन नाइनटीन सिक्सटी फोर एंड लेटर ऑन अ नंबर ऑफ अदर एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ऑल्सो वर्कड ऑन इट एंड इट इज एक्सटेंसिवली यूज टू डिसाइड हाउ द पोर्टफोलियो विल बी फॉर्म्ड सो कैपिटल एलोकेशन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आपने कैपिटल एलोकेशन करनी है डिफरेंट रिस्की एसेट्स के अंदर रिस्क फ्री एसेट्स में और उसमें हम बेसिकली करते क्या हैं वी ट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपम दैट एक्सप्लेन दैट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड द एक्पेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट्स विच यू आर गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट एंड कैपम इज़ एक्सटेंसिवली यूज इसके अंदर सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि आसान बहुत है इसको कैलकुलेट करना इसको समझना इसकी वैल्यूज़ को तो ये एक फाउंडेशन बनाती है हमें हेल्प करती है कि आप जब सिस्टमैटिक रिस्क को एक्सपेक्टेड रिटर्न को का रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको किस किस्म की जो डिफरेंट तरह की जो एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सो so, uh, look वी लुक एट मॉडल इट इज़ बेस्ड अपॉन assumptions. इसकी सबसे बड़ी असम्पन ये है कि इट वी एस के जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो तमाम रैशनल इन्वेस्टर्स हैं और दे आर

तो एक ही तरह के एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर के फ्यूचर में इस किस्म की बातें होने वाली हैं इदर इम्पोर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू अस्यूम इज़ दैट वॉट एवर एसेट्स वी आर डीलिंग विद वी आर गोइंग टू डील विद इन कैप वो तमाम के तमाम पब्लिकली ट्रेडिड हैं उन उनपे शॉर्ट पोजिशन आप ले सकते हैं अलाउड हैं एंड अनादर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ असीूम्ड इज़ दैट तमाम लोगों के लिए एक सर्टन कॉमन रिस्क फ्री रेट के ऊपर लैंडिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और उसको लेके हम अकाउंट फॉर करेंगे कि हमारा रिस्क फ्री रिटर्न तो हर कोई रिस्क फ्री रिटर्न वाली कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको तमाम इन्वेस्टर्स एक्सेस कर सकते हैं उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सो दिस इज अनादर मेजर असम्शन नाउ बाई कंसिडरिंग बाई Taking into account these assumptions, we are going to develop our market portfolio. Market portfolio hota kya hai? Market portfolio can be defined as a portfolio that holds the mom all different types of assets in proportion to their market value. So when we are look when we say that in proportion to market value, uska kya matlab hota hai. In order to explain that, I am going to take up an example. कि मार्केट पोर्टफोलियो में जब हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रपोर्शन की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है तो हम कर रहे हैं सपोज इन्वेस्टर के पास चॉइस है या जो पोर्टफोलियो डिसाइड करने वाला फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसके पास चॉइस है तीन तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक एसेट है सपोज जनरल जनरल मोटर की स्टॉक्स हैं दूसरा आपके पास टोयोटा के स्टॉक्स हैं और तीसरा आपके पास कोई रिस्क फ्री एसेट है सो so, ये तीन तरह की आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पड़े हुए हैं जिनको आप अकाउंट फॉर करके अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हम अस्यूम कर रहे हैं मैं आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के परपोर्शन की बात एक्सप्लेन करने जा रही थी मार्केट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए सो इन दिस एग्जाम्पल वी आर अस्यूमिंग के जो आपकी जनरल मोटर के स्टॉक्स हैं टोटल उनका जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है स्टॉक्स वो 66 बिलियन डॉलर के हैं और टोयोटा के जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं सपोज वो 22 बिलियन डॉलर के हैं और आपके पास 12 बिलियन डॉलर के लिए के इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क फ्री एसेट मौजूद है टुगेदर आपके पास 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रखी हुई है तो वेन वी दैट मार्केट वैल्यू जिस हिसाब से जिस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पड़े हुए हैं आपका पोर्टफोलियो उसी प्रपारशन से डिफ़ाइन होता है इसका मतलब ये है कि जब हम जीएम स्टॉक को देखते हैं तो 66 बिलियन के ऊपर जा रही है और टोयोटा की स्टॉक्स को देख रहे हैं तो वो 22 बिलियन पे है तो व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो तो द सिमिलर प्रपोर्शन विल बी अकाउंटेड फॉर जैसे मैंने आपको बोला था 66 बिलियन और 22 बिलियन तो जो आपने पोर्टफोलियो बनानी है उसमें मार्केट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो प्रोपोर्शन का साइज है उसी हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो का साइज डिफाइन होने वाला है अगर वहां रेशो 66 डिवाइडेड बाय 22 का थ्री टू वन का चल रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में भी थ्री टू वन का रेशो चलेगा तो दिस इज वन ऑफ द मेजर साम्पन ऑफ कैपेम